वैसे तो हम हर दशहरे पर रावण के पुतले को जलाते हैं। इसके पीछे का हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शा सके और रावण रूपी बुराई को जड़ से खत्म करने के संदेश लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि रावण में अच्छाइयां भी बहुत थीं, जिसकी सीख हमें भी लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए कहा था। रामायण के अनुसार जब रावण का अंतिम समय आ चुका था तो राम ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर कहा कि रावण नीति, राजनीति और शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में जब वह संसार से विदा ले रहा है तो तुम्हें उसके पास जाकर जीवन की कुछ शिक्षा अवश्य ही लेनी चाहिए। राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पास गए और उसके सिर के पास बैठे। तब रावण ने अपना मुख फेर कर दूसरे तरफ कर लिया। यह देखकर लक्ष्मण जी वापस राम के पास आए और बोले, देखो भैया, यह इतना अहंकारी है कि मरते समय भी इसका अहंकार दूर नहीं हुआ। तब राम जी ने उन्हें बताया, उसने अहंकार के कारण अपना मुंह नहीं फेरा है। इसमें गलती तुम्हारी है। जब तुम किसी व्यक्ति से ज्ञान लेने जाते हो तब तुम्हें उसके पैर के तरफ बैठना चाहिए, ना कि उसके सिर के तरफ। यह सुनकर लक्ष्मण वापस से रावण के पैर के तरफ जा बैठे तो रावण ने उन्हें तीन बातें बताई। रावण ने लक्ष्मण को पहली शिक्षा दी कि शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसी शुभ कार्य का चिंतन हो या मन में विचार आए उसे तुरंत कर लेने चाहिए। इसके अलावा अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो उसे टाल दो। साथ ही उसने यह भी कहा कि अगर मैं अहंकार में आकर सीता जी को राम के पास लौटाने में देर ना की होती तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी सीख दी वह यह थी कि अपने शत्रु को खुद से कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने यह भी स्वीकार किया कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने वानर और भालू की सेना को अपने से कम समझा और अपना सब कुछ नष्ट कर बैठा। महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को तीसरा ज्ञान यह दिया कि अपने रहस्य यानी अपनी सीक्रेट बात को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न हो। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि मेरे मृत्यु से जुड़ा रहस्य यदि मैं किसी को नहीं बताता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती। लेकिन मैंने यह रहस्य अपने भाई विभीषण को भरोसा करके बताया, जिसके कारण आज मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। ये थी महाज्ञानी रावण द्वारा बताए गए तीन अमूल्य उपदेश जो हर इंसान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।